हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विमल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग और आपको कितना हेल्प होने वाला है। आपको ये इतना ही हेल्पफुल है जितना एक घर को बनाने के लिए उसका बेस होता है। अगर आपका ये क्लियर नहीं होगा तो आप जनरल एंट्रीज पास नहीं कर पाएंगे। अब ये जनरल एंट्रीज क्या होती है, हमारी वीडियोस के साथ बने रहे। हमारी इसके आगे वीडियो जो आएगी उसमें जनरल एंट्री का एक एक कंसेप्ट बताऊंगा और ऐसे एक भी जनरल एंट्री नहीं होगी आप एक बार में जो पास ना कर पाए। तो अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है और हमें कितने टाइप्स के बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो बिजनेस में देखेंगे। तो आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो होता है दो टाइप का, लेकिन उससे पहले हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में भी तो पता होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ मनी गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि जब कभी भी एक्सचेंज होता है मनी और गुड्स के बीच में या सर्विसेज के बीच में, आपने मनी दिया उसके बदले में आपको गुड्स मिला या तो आपको उसके बदले में सर्विसेज मिले, और आप जब मनी दे रहे हो तो यहां पे एक्सचेंज हो रहा है। आप जब मनी दे रहे हो तभी वो आपको क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। या तो फिर क्या होगा, आपने उसे बोला है अभी नहीं मैं कल दे दूंगा, आप ये सामान मुझे अभी दे दो, ठीक है। तो जब कभी भी आपका म्यूचुअल एक्सचेंज होगा मनी का और गुड्स का, या तो आपने उसे बोल दिया आज नहीं तो मैं बाद में दूंगा, लेकिन आप पे करोगे, वो होता है आपका ट्रांजैक्शन। उसके बदले में जब कभी भी लेन देन होता है तो उसे ही हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अच्छा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शन, आप घर में घर के लिए फ्रीजर लेकर के आ गए, घर के लिए मैगी लेकर के आ गए, घर के लिए न्यूज़पेपर लगा दियो, घर के लिए पेट्रोल डलवा रहे हो, और वो बिजनेस तो नहीं है ना, बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है ना, तो आप उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस से रिलेट नहीं करता। लेकिन आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, आप जहां आपका ऑफिस है और आप उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, वो रेंट पे करोगे, वो सारे क्या है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वहां बैठ करके आप काम करते हो, तो वो उसका लेन देन जब आप करोगे, आपने पेमेंट करोगे जब इलेक्ट्रिसिटी बिल का, रेंट दोगे, वो सारा आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेट करता है, ना कि वो आपका घर है वहां पे आप बैठ करके काम कर रहे हो, ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, तो क्या है दो टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शन? जो पहला आपका है वो है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, पेड इमिडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि आप जब एक्सचेंज करोगे, आप जब मनी दोगे और उसके बदले में आपको गुड्स मिला, या आपने गुड्स दिया उसके बदले में आपको मनी मिला, या सर्विसेज दिए, कुछ भी हो सकता है। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ मैंने बताया गुड्स मनी एंड सर्विसेज। तो आप जब एक्सचेंज कर रहे हो आपको इमिडिएटली, यानी कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, जब कभी भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी वक्त आपको जो पैसा मिल जाएगा, कैश मिल गया, जितना पैसा लेना था पूरा मिल गया, वो होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर है? और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होता है, व्हेन पेमेंट इज डन इन फ्यूचर। यानी कि आपने दुकान पे गए और आपने बोला भैया वो सामान मुझे दे देना, इसका पेमेंट मैं आपको कल आके दे दूंगा या दे दूंगी, तो आप अभी अभी तुरंत तो पैसा आपने नहीं दिया है, लेकिन आपने बोला है कि इसका पेमेंट मैं आज नहीं कल करूंगी या कल करूंगा, तो ये जो कल हो गया, ये वर्ड हो गया फ्यूचर, आप कल दोगे, तो ये क्या है, अभी आपने नहीं दिया। और मैंने क्या बोला है, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो उधार हुआ यहां पे, तो इसे ही हम बोलेंगे, ट्रांजैक्शन तो हुआ, लेन देन हुआ, इसीलिए हम इसे बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब इसके हम एसेंशियल्स के बात करते हैं, तो इसे मैं मिटा देता हूं।